इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्लानिंग और उसके प्रोसेस को स्टेप्स को बता दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, मीन्स इस प्लानिंग के क्या बेनिफिट है, हम अगर प्लानिंग करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे करते हैं, वो तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था। तो फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब क्या है कि जब एक लॉन्ग टर्म गोल सेटअप कर दिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजर को ये पता है कि किस डायरेक्शंस में उसको आगे बढ़ना है। जब हम किसी डेस्टिनेशन को फिक्स करते हैं तो पता रहता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। और इसलिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन एम्प्लॉयज या मैनेजर के ब्रेन में नहीं रहता है। और वो एक ही डायरेक्शन में, जब सारे एम्प्लॉय सारे मैनेजर जब एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो नो डाउट जो आउटपुट होगा वो रिजल्ट होगा वो बेहतर होता है। इसलिए प्लानिंग का ये बेनिफिट मिलता है। सेकंड है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। व्हाट इज अनसर्टेनिटीज? जो निश्चित नहीं है। और प्लानिंग में कुछ भी निश्चित नहीं है क्योंकि फ्यूचर को हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाज करते हैं, लेकिन फिर भी जितनी प्रेमिसेस को, जितने एजम्पशंस को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमको मार्केट में सेल नहीं होगा या किसी प्रकार के नेचुरल कैलमिटीज में हम फंस सकते हैं, तो जितने अनसर्टेनिटीज को आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं उसकी कोई ना कोई तैयारी बिजनेस में कर लिया जाता है। जैसे हमारे बिजनेस में फायर आग भी लग सकती है तो हम उसके लिए इंश्योरेंस करा सकते हैं, मार्केट में हमारा डिमांड कम हो सकता है उसके लिए हम मार्केट सर्वे करा सकते हैं। तो उस प्रकार के अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करने में हमको प्लानिंग हेल्प करता है। सेकंड थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। व्हेन द प्लानिंग मेड दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय नोज व्हाट इज हिज राइट्स एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो देयर इज ए नो चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। एक दूसरे से किसी काम को ओवरलैप नहीं होता है, किसको क्या ऑथोरिटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपने ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही वर्क कर सकता है। फोर्थ है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जैसे जैसे कि फीचर्स में आपको मैंने बताया कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज एंड प्लानिंग नीड हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी। सो व्हेन द हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंट पीपल मेक द प्लान, सो देयर इज ए चांसेस ऑफ सम इनोवेटिव क्रिएट सम इनोवेटिव आइडियाज। तो ये चांसेस बनते हैं कि जब हम प्लानिंग करते हैं बहुत बारे में उसके बारे में सोचते हैं तो कुछ नए विचार इनोवेटिव आइडियाज भी हमारे ब्रेन में आता है जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। मैंने फीचर्स में आपको बताया था कि जहां वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो वहां पर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जहां अल्टरनेटिव्स नहीं है वहां पर कोई भी डिसीजन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ओनली वन वे होता है। तो प्लानिंग में कई अल्टरनेटिव्स होते हैं और फिर वहां पर एक डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनको सब इवेल्युएट करते हैं कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है, तो ये फायदा होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग एंड फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, लेकिन कंट्रोलिंग कैसे होगा? जब तक हम प्लान नहीं करेंगे कि मेरा टारगेट क्या था, प्लान में क्या है, हमने टारगेट किया कि ठीक है हमको इन ए ईयर 500 यूनिट्स बनाना है, तो कंट्रोलिंग ये देखेगा कि क्या वन ईयर में 500 यूनिट्स बन रहा है या नहीं। तो बिना प्लानिंग का कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड तय करता है। तो ये कुछ प्लानिंग के इंपॉर्टेंस है। इसका जो रिटेन बुक से मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में इंपॉर्टेंस का भी भेज दिया था और लिमिटेशंस का भी भेज दिया था, तो ये तो इंपॉर्टेंस हो गया। और इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के क्या ड्रॉबैक्स हैं, प्लानिंग कहां पर सक्सेस नहीं होता है। तो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. लिमिटेशंस का मीन्स प्लानिंग हैव ऑल्सो सम ड्रॉबैक्स, सम लिमिटेशंस, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन. तो फर्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. व्हाट डू मीन बाय रिजिडिटी? एज वी नो प्लानिंग मेक इन एडवांस में प्लानिंग कर दिया जाता है एंड फिक्स द पाथ हाउ टू बी वर्क, कैसे काम किया जाना है और किस प्रोसेस से वर्क होगा ये पहले तय कर दिया जाता है. और इसीलिए उसमें एक रिजिडिटी आ जाती है, एक लोग उसमें उसी पाथ पे चलना चाहते हैं, जबकि सिचुएशन चेंज होने के कारण कभी कभी उसमें चेंजेस की जरूरत होती है. लेकिन लोग ये सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है और जो इम्प्लॉइज है वो ये सोचते हैं कि भाई जो प्लान हमको मिला है हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे. अगर वो उस प्लान को तोड़ते हैं और किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर चली जाती है. इसलिए वो इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी चेंजेस किए बिना उसी प्लान में चलते रहते हैं. यानी जहां पर चेंजेस की पॉसिबिलिटी भी है वहां वो नहीं कर पाते हैं, मैनेजर भी नहीं कर पाते क्योंकि एक बार वो प्लान फिक्स कर दिया गया है. तो ये इसका ड्रॉबैक्स है. सेकेंड है मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. डायनेमिक इन्वायरमेंट का मीन्स है कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, जिस एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमने प्लानिंग किया, अगर फ्यूचर की कंडीशन बियॉन्ड दैट एक्सपेक्टेशन, उस एक्सपेक्टेशन से अलग हो गया, तो उस सिचुएशन में पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है. क्योंकि अब अगर इस फाइनेंशियल ईयर का किसी ने प्लानिंग किया होगा और लॉकडाउन हो गया तो उनकी सारी प्लानिंग खत्म हो गई. तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि प्लानिंग की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही. तो ये डायनेमिक सिचुएशन जब भी होगा प्लानिंग हमारा फेल हो जाता है, उसमें ये वर्क नहीं करता है. नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. जैसे मैंने रिजिडिटी से बताया कि वंस द प्लान आर फिक्स्ड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द चेंजेस इन दैट प्लान. सो इफ देयर इज नो चांस ऑफ चेंजेस, सो वर्कर और मैनेजर डज नॉट इनिशिएट द क्रिएटिव. यानी कुछ अगर नयापन करने की जरूरत उनको महसूस होती है तो वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्लानिंग पहले से फिक्स है. नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, यहां काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन को लेते हैं. फिर हम पूरे पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट का एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर का एनालिसिस करते हैं. तो इसमें नो डाउट टाइम भी कंज्यूम होता है और कॉस्ट भी काफी ज्यादा लगता है. और अगर ये प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई तो ये दोनों का वेस्टेज होता है. और अक्सर कहा जाता है कि प्लानिंग अगर 70-80% भी सक्सेस होती है तो उसको सक्सेस प्लान माना जाता है, और 100% प्लानिंग का भी सक्सेस नहीं होता है. तो इसमें जो कॉस्ट हमने इन्वॉल्व किया, जो टाइम इन्वॉल्व किया, तो कभी कभी ये दोनों ही मिसयूज हो जाता है और ऐसा लगता है कि दोनों का वेस्टेज हुआ. इससे प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ गया और अननेसेसरी वर्क में मैनेजर्स का टाइम चला जाता है. तो ह्यूज कॉस्ट है और इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस. कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हाउ व्हाई मेक द प्लान, बिकॉज प्लानिंग कर लेने से ही हमको गारंटी है, सक्सेस की गारंटी है, ऐसा है नहीं. फिर इस प्लानिंग करने में जो हमारा टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है. तो ये लिमिटेशंस है. अगर इस लिमिटेशंस को सावधानी पूर्वक देखा जाए, इसको भी अज्यूम करके हम लोग चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग पूरी तरह से फेल है या प्लानिंग पूरी तरह से अनवांटेड है. हर चीज के लिए प्लानिंग करनी होती है. ये सही बात है कि प्लानिंग में 100% सक्सेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट है वो काफी पॉजिटिव होता है. फिर भी लिमिटेशंस है. तो इस लिमिटेशन को भी मैंने आपको फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में इसका भेज दिया है, बुक का जेरोक्स. तो ये हो गया. इसके बाद आपका कुछ सिंगल टर्म प्लान है, टाइप्स ऑफ प्लान है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूं. तो इस प्रकार से प्लानिंग चैप्टर आपका खत्म हुआ. और मेरा मानना है कि आपको जितने चैप्टर अभी पढ़ाई हो गए उनका रिविजन एक बार प्रॉपर करना चाहिए.
और उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छी वीडियो मिलेगी आपको। थैंक यू।